हेलो गाइस, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि YT स्टूडियो कैसे यूज किया जाता है। आज के वीडियो में हमारा आपका टॉपिक रहेगा कि कैसे YT स्टूडियो को क्या करते हैं पूरा A to Z समझा जाता है, ठीक ना। तो मैं आपको डैशबोर्ड बताऊंगा YT स्टूडियो का, एनालिटिक्स बताऊंगा, ठीक ना। उसमें अंदर में सारे फीचर हैं, उन सारे फीचर को भी दिखाने वाला हूं। और अपने ही चैनल को मैं क्या करने वाला हूं, आपको दिखाने वाला हूं। और क्या करूंगा कि वहां पे बहुत सारा वीडियो मैंने ऐड किया है, ठीक है, अपलोड किया है, उन सारे वीडियो को भी आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको भी पता चले कि कैसे आप क्या कर सकते हैं, कि आप भी इस तरह मेरे तरह वीडियो क्या कर सकते हैं, अपना रैंक करा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यदि चैनल में मेरे न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, और यदि फेसबुक पेज में होंगे तो फेसबुक पेज को क्या फॉलो करके रखिए, ठीक ना, ताकि क्या मेरा वीडियो आपके पास पहले पहुंचे और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको मिले, ठीक ना। तो आई होप हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन में। अब मोबाइल स्क्रीन में आपको A to Z पूरा बताते हैं कि कैसे YT स्टूडियो को क्या किया जाता है, कि समझा जाता है, ठीक ना। इससे क्या हो, यदि आप इसको समझ लेते हैं तो आपका चैनल क्या होता है, बूस्ट हो सकता है। इसलिए क्या कीजिए कि आप पूरे अंत तक देखिए वीडियो को, ताकि आपको भी समझ में आ सके। तो ज़्यादा लेट ना करते हो, चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन में। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कैसे आपका क्या YT स्टूडियो का काम करता है, ठीक ना। YT स्टूडियो में आपका वीडियो परफॉर्मेंस कैसा काम करता है, ये सारी चीज़ें के विषय में जानते हैं। और नीचे में दिखाई दे रहा है डैशबोर्ड, कॉन्टैक्ट, एनालिटिक्स और कमेंट्स और मोनेटाइजेशन, इन सारी चीज़ों पाँच टॉपिक का पूरा मैं आप लोग को डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और दिखाता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहां पे दिखाई दे रहा है मेरा चैनल एक और है, मिस्टर GSG प्रोग्राम। उसमें क्या है, 1139 सब्सक्राइबर है। यहां पे ऑप्शन दे रहा है फर्स्ट नंबर में है, देख पा रहे हैं चैनल एनालिटिक्स। यहाँ पर चैनल एनालिटिक्स दिखाई शो कर रहा है। व्यू अभी लास्ट 28 दिन के अंदर में कितना है, ये है मेरा 16,000 कुछ, ठीक ना। यहाँ पर वॉच टाइम मैं इसको और आगे बताऊंगा, आप नीचे में जैसे ये देखते हैं लास्ट प्लेलिस्ट कॉन्टैक्ट, ठीक ना। यहाँ पे लास्ट पब्लिश्ड कंटेंट, तो इसमें आप क्या टैप कीजिएगा, टैप जैसे ही करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपने वीडियो परफॉर्मेंस देख सकते हैं। नीचे में गो टू वीडियो एनालिटिक्स में जाइएगा, इसमें आपका वीडियो का परफॉर्मेंस दिखाई देने लगेगा, कैसा कैसा आपका वीडियो चल रहा है करके, ठीक ना। और नीचे में जैसे ही आते हैं और आपका ही वीडियो मिलेगा, नीचे इसके जस्ट बगल में कॉन्टैक्ट दिखाई दे रहा है। कॉन्टैक्ट में आप जैसे ही क्लिक करते हैं, आपका क्या चीज़ है कि आपका बहुत सारा वीडियो क्या है, आपको सामने में शो करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि मेरा ये सारे वीडियो हैं, मैं इसको क्या शूटिंग किया हूँ और इसको क्या किया हूँ, अपलोड किया हूँ, ठीक ना। तो ये सारे वीडियो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और आप लोग को क्या करना है, जैसे कि किसी वीडियो में टैप करिएगा, जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, जैसे कि मैं कोई गाना यहाँ पे सेट किया हूँ, ठीक ना। इसको क्या किया हूँ कि अभी मैं पब्लिश किया हूँ, तो गो टू वीडियो एनालिटिक्स, ठीक ना। यहाँ पे इसमें जैसे ही जाएंगे आपको यहाँ पे पूरा डिटेल इसका मिल जाएगा। गो टू वीडियो एनालिटिक्स में जाने पे तो आपको क्या है, दिस वीडियो हैज़ बिन कितना 56,500 व्यू अभी चल रहा है, ठीक ना। मतलब कि पिछले कितने दिन में, अभी यहाँ पे रिसेंटली इसको क्लिक कीजिएगा व्यू, तो पता चल जाएगा आपको। जैसे देख पा रहे हैं 56,500 ऐसे कुछ जा रहा है, ठीक ना। तो ऐसा व्यू है कुछ। और क्या कर सकते हैं आप, इसको जैसे राइट क्लिक करेंगे, मतलब कि इसके लेफ्ट में क्या करते हैं, मतलब राइट में इसका क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो आपको वॉच टाइम मिल जाएगा। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को वॉच देख सकते हैं, ये एक वीडियो आपका कितना क्या किया है, वॉच टाइम किया है, ठीक है। एक वीडियो मैं अभी का एक का बात बता रहा हूँ, सारे वीडियो को भी देखना बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन अभी मैं एक का बात कर रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पे एक वीडियो आपका क्या 1894, ठीक ना। क्या चीज़ है कि यहाँ पे वॉच किया, ठीक ना, ये वॉच टाइम घंटा है आपका, जो कि आपको कितना पुराना है, 4000 वॉच टाइम घंटा पुराना रहता है ना। हाँ, ये अकेले वीडियो मेरा किया, ठीक ना। यहाँ पे सब्सक्राइबर जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं 181 क्या है सब्सक्राइबर, एक अकेले वीडियो ने क्या किया है, वॉच किया है, ठीक ना। यहाँ पे इंस्टेंट रिव्यू, यहाँ पे मेरा अभी चैनल का क्या है मोनेटाइजेशन के लिए दिखा रहा है, ठीक ना। तो नीचे में जैसे ही आप जाएंगे और सारा रियल टाइम का, जैसे नीचे रियल टाइम देख रहे हैं अभी कितना 133 चल रहा है अभी, मतलब कि आगे बढ़ते जा रहा है। अभी का एक घंटा का रिसेंटली देखेंगे तो एक घंटा का जैसे रिसेंटली देखते हैं तो यहाँ पे कितना 26 व्यू है। जैसे मैं बैक हो जाता हूँ, बैक होने के बाद यहाँ पे ऊपर में दिखाई दे रहा है रिच का ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा, ठीक ना। रिच का ऑप्शन क्लिक करते हैं तो आपको पता चलेगा यहाँ पे इम्प्रेशन, आपका वीडियो का इम्प्रेशन कितने लोगों के पास भेजा है यूट्यूब ने, ना। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3,06,573, इतने लोगों के पास क्या किया है रिसेंटली यूट्यूब खुद,
भेजा है आपका वीडियो को, ऊपर में दिखा दे रहा है सिंस पब्लिश, ठीक है, इसको क्या क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कितने दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर देख सकते हैं कितने लोगों के पास भेजा है। तब 1100 के पास करीब भेजा, 28 दिन के अंदर में जैसे देखते हैं तो कितने लोग के पास भेजा 28 दिन के अंदर में, जैसे उसका ग्राफ भी दिखाई दे रहा है और नीचे में इंप्रेशन का ऑप्शन दिखा दे, तो यहाँ 27,995 ऐसे कुछ लोगों के पास भेजा है। अब इसमें मैं बैक होता हूँ, ठीक है, नीचे में ऑप्शन है हाउ रिव्यू फाइंड दिस वीडियो, ठीक है, यहाँ पे हाउ रिव्यू फाइंड दिस वीडियो मतलब इसका मतलब ये है कि आप क्या कर सकते हैं इसमें, आपका वीडियो किस किस अर्थ के हिसाब से मतलब बढ़ रहा है आगे। तो देखिए वीडियो, मेरा वीडियो दूसरे का सजेशन में आ रहा है पहली बात, दूसरा है ब्राउज फीचर से जा रहा है, तीसरी बात है कि यूट्यूब फीचर से जा रहा है, प्ले लिस्ट जा रहा है, यूट्यूब सर्च से जा रहा है मतलब कि लोगों के पास जा रहा है, ठीक है, डायरेक्ट ऑफ अनडायरेक्ट जा रहा है, ठीक है, चैनल के पेज से जा रहा है, एक्सटर्नल से जा रहा है और प्ले पेज से भी जा रहा है, प्ले लिस्ट पेज से भी ना। तो अब क्या कर सकते हैं इसको भी देख सकते हैं आप कि कितने कितने दिन में जा रहा है, जैसे 7 दिन के, 28 दिन के, 90 दिन के, इसके अंदर में मतलब कितने कितने दिन में आप इसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। और नीचे में आएंगे जैसे ही तो क्या चीज़ है, एक्सटर्नल साइट और एप्स, ठीक ना, एक्सटर्नल साइट और एप्स मतलब आपको वीडियो किस किस ऐप के जरिए दूसरे लोग के पास पहुंच रहा है। तो यहाँ पे आप जैसे ही आते हैं तो आपको क्या चीज़ है कि यहाँ पता चल रहा है व्हाट्सअप के जरिए जा रहा है, फेसबुक के जरिए से जा रहा है, इंस्टाग्राम के जरिए से जा रहा है, व्हाट्सअप बिजनेस के जरिए जा रहा है, यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, ठीक, आपका वीडियो मतलब दूसरे लोग। और नीचे में जैसे और स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है यूट्यूब सर्च टीम, तो यहाँ पे इसको क्लिक कीजिए, यूट्यूब सर्च मतलब लोग क्या क्या से आपको वीडियो सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है जैसे कि भगत बाबू प्रोग्राम, ठीक ना, मैं इसके रिलेटेड प्रोग्राम है तो इस चीज़ से क्या चीज़ें सर्च कर रहे हैं लोग बाग, आप क्या कर सकते हैं कि ये सर्च, इस सर्च को क्या टैग में डाल सकते हैं, ठीक ना, अभी के वीडियो में रिसेंटली, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं लोग बाग कैसे कैसे करके सर्च मार रहे हैं, ठीक ना, सीजी प्रोग्राम, सीजी 2022, ठीक ना, सीजी सॉन्ग 2022, सीजी सॉन्ग वीडियो, छत्तीसगढ़ी वीडियो, ऐसे करके, ठीक ना। तो यहाँ पे प्रोग्राम से रिलेटेड है मेरा वीडियो चैनल है, तो प्रोग्राम के रिलेटेड क्या कर रहा है यहाँ पे शो कर रहे हैं लोग बाग, इसका क्या कर रहे हैं सर्च मार कर रहे हैं अपने यूट्यूब में, ठीक ना। नीचे में और जाइए नीचे में, तो यहाँ पे दिखा रहा है कॉन्टेक्ट सजेशन दिस वीडियो, कॉन्टेक्ट सजेशन दिस वीडियो का मतलब ये है कि आपका वीडियो किस किस तरह के लोगों के पास पहुँच रहा है, मतलब किस किस वीडियो को सजेशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ऊपर में दबकला सर कुछ लिखा है कहाँ पावे, ठीक ना, ऐसे करके, ठीक ना। तो ये सब क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारे वीडियो हैं, इस वीडियो को क्या कर रहा है मेरा वीडियो, इस वीडियो को सजेशन कर रहा है, ठीक ना, मतलब ये वाला वीडियो मेरे वीडियो को सजेशन कर रहा है, मतलब बुला रहा है, बोला जाए तो मेरा वीडियो को ये वाला वीडियो क्या कर रहा है, बुला रहा है कि आई मेरे साथ इस टाइप का। तो दोस्तों क्या चीज़ है कि वीडियो तो कुछ लंबा हो जाएगा, लेकिन आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए ताकि आपको क्या चीज़ है पूरा पता हो चल सके। और नीचे चलते हैं प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में जैसे ही जाएंगे आप क्या कर सकते हैं कि मिक्स, यहाँ पे आपको हर एक जानकारी मिल जाएगी दोस्तों नीचे में, तो थोड़ा सा खुल जाए, हाँ, यहाँ पे क्या चीज़ है कि आपका सर्च क्या क्या चीज़ से हो रहा है, ये सारी चीज़ इसमें आ जाएगा, ठीक ना, आप इसको भी समझ लीजिए। मैं चलता हूँ नेक्स्ट में, इंगेजमेंट, ठीक ना, इंगेजमेंट में जाने के बाद क्या चीज़ है कि इंगेजमेंट, ठीक ना, इंगेजमेंट कैसे हो रहा है ये सारी चीज़ के विषय में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपका लाइक कैसा है आपके वीडियो में, उसका परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है, लाइक डिसलाइक, ठीक ना। तो यहाँ पे लाइक कुछ 311 लोग लाइक किए हैं और डिसलाइक 28 लोग किए हैं, ठीक ना, तो डिसलाइक कुछ कम लोग किए हैं, लाइक कुछ अधिक लोग किए हैं, मतलब पसंद, ठीक ना, आप देख पा रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे ऑडियंस है आपका, ऑडियंस किस टाइप का, रिटर्निंग, ठीक ना, तो यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। रिटर्निंग व्यूअर्स का मतलब ये है दोस्तों कि आप कितने लोगों को फिर से रिटर्न कर सकते हैं, ठीक ना। तो मेरे वीडियो में पहले मतलब न्यू व्यूअर देखो, यहाँ पे रिटर्निंग व्यूअर्स कितना 13,320 है, समझने की बात है दोस्तों, ठीक ना, यहाँ 13,320। तो यहाँ पे नीचे में क्या ऑप्शन दे रहा है, न्यू व्यूअर्स, मेरा न्यू व्यूअर्स कितने हैं, 21,264, इस वीडियो की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक ना, इस वीडियो के, ठीक ना। ऊपर में भी देख सकते हैं कितने दिन देख पाएंगे, 28 दिन, 90 दिन, 365 दिन, लाइफ टाइम के लिए, ये सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा। और नीचे बगल में ऑप्शन है रिवॉर्ड, ठीक ना, तो इसी ये चीज़ मेरा मोनेटाइजेशन का है ऑप्शन, लेकिन अभी मेरा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया गया है दोस्तों, कुछ ही दिन के बाद मोनेटाइजेशन हो जाएगा। चलिए वीडियो में थोड़ा सा पीछे जाते हैं,
पीछे जाने के बाद ऊपर में ऑप्शन जैसे आते हैं, मैं भी कॉन्टैक्ट में हूँ, देखिए ठीक है नीचे में, और ऊपर में जैसे आते हैं क्या वीडियो भी, यहाँ आपको केवल वीडियो भी मिलेगा इसके। आप यदि शॉर्ट अपलोड करते हैं तो बगल में आपका क्या शॉर्ट अपलोड का वीडियो मिल जाएगा। जैसे कि अभी मैं मेरा वाला भी जैसे चालू होता है, हाँ देख पा रहे हैं मेरा, बस मैं 3 ही शॉर्ट अपलोड किया हूँ अभी तक के लिए। और यहाँ पे आप अभी लाइव किए रहेंगे तो आपका यहाँ पे लाइव वाला वीडियो शो करेगा, ठीक ना, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके जस्ट बगल में चलते हैं क्या, एनालिटिक्स। एनालिटिक्स में आपको मैं पूरा बता ही दिया हूँ, वहाँ पे अभी एनालिटिक्स क्या चीज़ बताया था, एक वीडियो बताया था, लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है एनालिटिक्स में, आपको सारे वीडियो का एक साथ मिले। तो अभी मेरा रियल टाइम दे, इसको क्लिक कीजिएगा, व्यूअर्स को क्लिक किए तो रियल टाइम आपको पता चल रहा है कितना, 16,124 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 28 दिन का, 90 दिन का लाइफ टाइम का देख सकते हैं। दोस्तों मैं बैक चलता हूँ, अब यहाँ पे वॉच टाइम, दोस्तों अब ये वाला वॉच टाइम मेरा क्या पिछले 28 दिन का अंदर का वॉच टाइम है, अभी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो 573 यहाँ पे 28 दिन का वॉच टाइम है दोस्तों, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं 300 जितने दिन पे आपको देखना है देख लीजिए। सब्सक्राइबर में भी जाइए, इसको भी क्लिक कीजिए, सब्सक्राइबर में भी 33 है, बस मेरे 28 दिन का भी कितना 33 है, ठीक ना। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं कि 7 दिन के अंदर कितने आए हैं करके, तो यहाँ पे 7 दिन के अंदर देखिएगा अभी नीचे में इसका अकाउंट हो जाएगा, बस 3 ही आए हैं 7 दिन के अंदर में, ठीक ना, अकाउंट हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। और इसके बगल में चलिए कॉन्टैक्ट में, कॉन्टैक्ट में जाने के बाद क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसमें भी मैं आपको बताया वैसी सेम टू सेम है इसका कॉन्टैक्ट, लेकिन बट इसमें बस एक चीज़ बात है कि इसमें सारी चीज़ का दिखाई देगा, सारे वीडियो का, उसमें एक वीडियो का दिखाई दे रहा था ना। अभी ओवरव्यू में अभी आते हैं, नीचे में आया टैप कॉन्टैक्ट, टैप कॉन्टैक्ट मतलब अभी का सबसे ज़्यादा मोस्ट आपको वीडियो में कौन कौन सा भी जा रहे हैं, मतलब व्यूज़ जा रहा है उसका दिखाई देगा, ये सारे चीज़ देख पा रहे हैं व्यूज़ का, ठीक ना। अब नीचे में आप आइएगा तो यहाँ पे ऑप्शन रियल टाइम का, अभी रियल टाइम में आज के दिन में मेरा कितना व्यूज़ आया है मेरे वीडियो में, इस सारे ऑल वीडियो में, एक वीडियो नहीं सभी वीडियो में, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा सारे वीडियो कौन कौन से वीडियो में कितना आया है, यहाँ पे देख पा रहे हैं 344, 112, 105 ऐसे कुछ, ठीक ना। अब यहाँ पे एक घंटा का देखते हैं, 60 मिनट का, तो 60 मिनट में कितने आया है अभी 94, ठीक ना, 60 मिनट में केवल, तो देख पा रहे हैं किस किस वीडियो से आया है, ये सारे चीज़ यहाँ पे डिटेल है दोस्तों, और सारी चीज़ें मिल गया। मैं आपको दोस्तों पहले से बता चुका हूँ कि कहाँ कहाँ चीज़ से मिल जाएगा ये सारी चीज़, ठीक ना। वीडियो कुछ लंबा हो रहा है लेकिन थोड़ा सा समझने की जो ज़रूरत है दोस्तों। तो आप ऑडियंस में आइए, ऑडियंस में आने के बाद क्या कर सकते हैं, रिटर्निंग व्यूअर्स अभी का ताज़ा देख पा रहे हैं यहाँ पे इतना है अभी, ठीक ना, 2947, ठीक ना, ऐसे कुछ हैं, और 3000 कुछ न्यू व्यूअर्स हैं। और नीचे में समझने की बात है, ये यहाँ पे ग्राफ टाइप का दिखाई दे रहा है, इसमें बताया जाता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक ना, ऐसे करके, मतलब कौन से दिन में कितने आपके व्यूअर्स किस समय मतलब कि ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, इस चीज़ का है। लेकिन मैं इस विश्वास नहीं करता दोस्तों, क्योंकि कभी वीडियो डाल सकते हैं, ठीक है। अब नीचे में दिखाई दे रहा है एज का, कौन से एज का लोग आपको वीडियो वॉच कर रहे हैं, जेंडर का दिखाई दे रहा है यहाँ पे टॉप, ठीक ना, और ये कौन सा आपका लैंग्वेज दिखाई दे रहा है, किसका किसका वीडियो का सजेशन में आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं कॉन्टैक्ट योर ऑडियंस वॉच, मतलब कि आपका वीडियो कौन कौन से लोग वॉच कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों का दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे चैनल योर ऑडियंस वॉच, मतलब कि आपका चैनल का लोग दूसरे और कौन कौन से चैनल के लोगों का वीडियो को देख रहे हैं, ये वो सारे चैनल हैं, ये सारे वीडियो हैं दोस्तों। और क्या चीज़ है कि मैं आपको पूरा बता ही दिया, कॉन्टैक्ट में आप चाहिएगा, कॉन्टैक्ट में नीचे में कॉन्टैक्ट में कुछ नहीं, यहाँ पे मैसेज आएगा, वो मैसेज आपके पास शो करेक्ट किया जाएगा, देख पा रहे हैं कौन कौन से लोग आपके पास मैसेज किए हैं, ये सारी चीज़ यहाँ पे दिखाई देता है। मोनेटाइजेशन की बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पे अभी मेरा रुका है मोनेटाइजेशन, ठीक ना, अभी मोनेटाइजेशन हो जाएगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ नॉलेजबल हुआ होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, न्यू होगा चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, अभी के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय एंड लव यू गाइस।